हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद चित्रा शर्मा एंड द अनदर नेम ऑफ द चैनल इज वर्धन क्लासेस। हियर यू कैन गेट वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोस ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड नाउ आई एम अपलोडिंग सम अदर वीडियोस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आई हैव अपलोडेड नियर अबाउट 90 to 95 वीडियोज ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आई एम ऑल्सो डूइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द मटेरियल। आई हैव अपलोडेड सो मेनी आंसर MCQ सीरीज on English literature. Now I am talking about Lord Byron. Lord Byron, I have uploaded part 1st and 2nd of Lord Byron, and I am discussing about Don Juan summary. It's very important, so I am taking this video separately. If you want any kind of live videos and live sessions, any discussion, you can comment me in the comment box. I'll take all the live session if you want. I give you my ID. If you join the live session, these sessions are free of cost, and I will provide all the material related to English literature. That's it. Now started Don Juan summary. Okay, we are talking about Lord Byron and Don Juan summary. The character of Don Juan, जो Don Juan के character है, originated from Tirso de Molina. कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? Tirso de Molina's प्ले द ट्रिकस्टर ऑफ सेवेले एंड द स्टोन गेस्ट। कहाँ से हुए? द ट्रिकस्टर ऑफ सेवेले और स्टोन गेस्ट से। फर्स्ट प्रीमियर्ड 200 ईयर अर्लियर बिटवीन 1660 एंड 1630। कब प्रीमियर हुए थे? 2 साल पहले, 1616 से 1630 के थे। एट द एज ऑफ 16 साल की एज में डॉन जुआन वॉज कम्प्लीटेड हिज फॉर्मल एजुकेशन। डॉन जुआन ने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कम्प्लीट कर ली थी एंड इज़ रेडी टू सेट आउट ऑन द ग्रैंड टूर। अब वो क्या हो गया था? ग्रैंड टूर पर जाने के लिए तैयार हो गया था, विच इन इंग्लैंड ऑफन फॉलोड ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जो कि ग्रैंड टूर पे जाना चाहता था, विच इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ऑफन फॉलोड ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन करने के बाद बायरन हिमसेल्फ हैड मेड ए ग्रैंड टूर इन द नियर ईस्ट आफ्टर ही रिसीव्ड हिज डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल मानी जाती है, इसलिए साथ के साथ जोड़ रहे हैं। बायरन ने भी एक ग्रैंड टूर पे जाना का सोचा था, किया था, जो नियर ईस्ट था। आफ्टर ही इन्होंने भी, जब इनकी डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज से ले ली थी। जुआन वाज द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन विच वाज अरेंज फॉर हिम बाय हिज मदर। जुआन, जो डॉन जुआन था, वो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोडक्ट था, जो भी इनको एजुकेशन मिली थी, जो इनके लिए अरेंज की थी, किसने अरेंज की थी? इसकी मदर ने। ही हैड रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्यूटर्स। इनको इनके ट्यूटर्स, इनके टीचर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली थी ओनली, एंड हैड नॉट अटेंडेड स्कूल, और इन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया था। ही वॉज टोल्ड द क्लासिक्स फ्रॉम एक्सपर्टेड एडिशंस। इन्होंने कई क्लासिक्स एक्सपर्टेड एडिशन से सीखी, एंड ए कॉन्सिक्वेंसेज हैड टू लर्न द बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और जो हालात, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, जो हालात हैं, इन्होंने इनको बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ के सिखाए फ्रॉम एक्सपीरियंस से आए। कहते हैं जो एक्सपीरियंस से सीखा जाता है वो बेस्ट होता है, इन्होंने भी यही एक्सपीरियंस किया। और इनके बाद इनको, ही हैड नॉट बीन टॉट नेचुरल हिस्ट्री। इनको नेचुरल हिस्ट्री नहीं सिखाई गई थी, ओके, नेचुरल हिस्ट्री इनको नहीं सिखाई गई थी। हिज एजुकेशन हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिम फॉर डोना जूलियस एंड हेडस। इनकी एजुकेशन थी वो नहीं प्रिपेयर की गई थी डोना जूलियस एंड हेडस, सिंस ही बिलोंग टू नोबिलिटी। फिर भी वो नोबिलिटी से जुड़े रहे। ही वॉज गिवन इंस्ट्रक्शन द आर्ट ऑफ वॉर। इनको आर्ट ऑफ वॉर की, राइडिंग की, फाइंस की, गनरी की, द टेक्निक टू बी यूज्ड इन एज्योल्टिंग ए फोर्ट्रेस, इनको टेक्निक दी गई थी। हिज एजुकेशन आल्सो इंक्लूडेड एन अबंडेंस ऑफ रिलीजियंस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन। इनकी जो एजुकेशन थी, इंक्लूड किया गया था रिलीजियस और मॉरल इंस्ट्रक्शंस में ऐड किए गए थे इस एजुकेशन में, ओके। जुआन इज़ ए बाई, जो थे काइंड नेचर के थे एंड फ्रेंडली थे, इम्प्यूसिव कॉर्टियस थे, करेजियस थे, सेंसुअस। ही हैज़ ऑल द वर्चूज ए बॉय ऑफ 16 कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव। उनमें सारे वर्चूज थे अच्छे। एक्सपेक्ट सेल्फ कंट्रोल इन द मैटर्स ऑफ सेक्स। सब कुछ अच्छा था। ये देखो, हमारे जो लॉर्ड बायरन है, उनमें भी
सब कुछ अच्छा था। राइट मतलब वर्कर्स के लिए लिखते थे, पॉलिटिकल लाइफ में अगर उनकी राइट्स के बारे में बोलते थे, पर सेक्सुअल पार्ट उनका नहीं अच्छा था, उनके लव अफेयर्स काफ़ी थे। इसी तरह इसका भी कंट्रोल नहीं था। सेक्स एजुकेशन हैड नॉट बीन ए पार्ट ऑफ हिज फॉर्मल एजुकेशन। जो उसकी फॉर्मल एजुकेशन हुई थी ना, उसमें सेक्स एजुकेशन उसमें फॉर्मल पार्ट नहीं था। हिज मदर सिस्टम वाज देयर फॉर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल फ्रॉम द ग्रेस इन कैंटो वन। उसकी मदर का सिस्टम था जो मतलब गुस्से वाला दिखाया गया है, वो रिस्पॉन्सिबल था, जो कि इनके कैंटो वन में दिखता है। बाय द टाइम ही इज 21, जब वो 21 साल के हुए, इन कैंटो 16 में जुआन हैज लॉस्ट सम ऑफ हिज इम्पल्सिवनेस एंड नेविट। इन्होंने अपने इम्पल्सिवनेस को लॉस्ट कर दिया था। एक्सपीरियंस हैज़ बीन हिज टीचर। इनके जो एक्सपीरियंस हालातों से ये सीखे थे। आफ्टर ही लेफ्ट हिज होम एट 16 और 17, जब इन्होंने 16 या 17 साल में छोड़ दिया था घर, ही स्टिल हैज़ ऑल हिज गुड क्वालिटीज़। इनमें काफ़ी अच्छी बातें थी, बट ही हैज़ एक्वायर्ड ए नॉलेज ऑफ वेज ऑफ द वर्ल्ड, इज एबल टू एनालाइज एंड जज द वर्ल्ड। ही इज़ नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ इम्पल्स। वो इम्पल्स की मर्सी पर नहीं रहना चाहते थे। हार्ट एंड हेड नाउ वर्क टूगेदर। दिल और दिमाग काम इकट्ठे कर रहे थे। टूडे बायरन्स डोंट जुआज इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश रिटन सिंस जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। आज बायरन की डॉन जुआन को ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोम माना जाता है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बाद। बायरोनिक हीरो करेक्टराइज्ड बाय पैशन, टैलेंट, रेबेलियन, प्रेवेर्स, बायरन वर्क्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द वर्क ऑफ लेटर रोमांटिक पोएट। जो बायरोनिक हीरो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे पैशन है, टैलेंट है, रेबेलियन है, ये सब कुछ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बट यही बात है, अभी लॉर्ड बायरन का भी करेक्टर अच्छा था, डॉन जुआन का भी अच्छा था, बस एक चीज़ थी जो वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाए, वो थी इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, ये था हमारे डॉन जुआन के बारे में। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव अपलोडेड 3 पार्ट्स ऑफ लॉर्ड बायरन। नियर अबाउट 95 to 96 वीडियोज़ आर अपलोडेड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। यू कैन गेट ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।